हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल फील इन अवर वर्क बुक चैप्टर नंबर थर्टीन शेयरिंग अवर फीलिंग्स सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर अल्फाबेट इन द प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वट ड सीमाज फादर रीड अलाउड फॉर हर नानी तो सीमा के फादर नानी के लिए क्या रीड करते थे स्टोरी ए पोयम द न्यूज पेपर सम आर्टिकल्स तो वो क्या रीड करते थे न्यूज पेपर रीड करते थे सो दर इज सी द्यूज़ पेपर सो वी हैव टू राइट हियर सी देन क्वेश्चन नंबर टू वॉट डज रवि भैया यूज वाइल वॉकिंग जब भी रवि भैया चलते थे तभी वो क्या यूज करते थे ए हॉकी स्टिक ए वाइट स्टिक ए बम्बू स्टिक एक रूक स्टिक सो so, रवि भैया यूज करते थे ए वाइट स्टिक सो वी हैव टू राइट हियर बी नंबर थ्री विच स्क्रिप्ट इज यूज फॉर द पीपल वू कैन नाट सी जो पीपल देख नहीं सकते है थे वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट हिंदी स्क्रिप्ट कॉमन स्क्रिप्ट बरेली स्क्रिप्ट तो वो लोग बरेली स्क्रिप्ट यूज करते हैं सो वी हैव टू राइट हियर डी बरेली स्क्रिप्ट देन क्वेश्चन नंबर फोर ऑन हाउ मैनी डॉट्स इज द ब्रेली स्क्रिप्ट बेस्ड कितने बे कितने डॉट्स के ऊपर ब्रेली स्क्रिप्ट है वो बेस्ड है आंसर इज सिक्स फोर फाइव और थ्री सो द राइट आंसर इज ए सो वी हैव टू राइट हियर ए वो वॉज द क्रिएटर ऑफ द ब्रेली स्क्रिप्ट कौन है ब्रेली स्क्रिप्ट का क्रिएटर सो द आंसर इज ऑप्शन इज जेम्स हॉट डारविन ब्रैकन ब्रेस louis braille answer is d louis braille so we have to write here c d sorry so we have to write here d louis Braley. question number 2 fill in the blanks in each sentence with an appropriate word first is the braille script is based on dash kitne dots ke par braille script based hai answer is 6 dots so we have to write here s i x d o t s 6 dots number 2 लुइस ब्रेली इन्वेंटेड डैश लुइस ब्रेली ने क्या किसकी खोज की थी द ब्रेली स्क्रिप्ट सो वी हैव टू राइट हियर द ब्रेली स्क्रिप्ट टी एच ई बी आर ए आई डबल एल ई एस सी आर आई पी टी ब्रेली स्क्रिप्ट सीमा वॉज सिलेक्ट फॉर द डैश टीम किस टीम के लिए सीमा का सिलेक्शन हुआ था फुटबॉल टीम में सो आंसर इज एफ ओ टी बी ए डबल एल फुटबॉल द डैश स्क्रिप्ट इज रीड बाय रनिंग वंस फिंगर ऑन रेस डॉट्स तो ऐसे कौन से स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर हम अपने फिंगर्स को फेर कर उसे रीड कर सकते हैं आंसर इज ब्रेली बी आर ए आई डबल एल ई ब्रेली नाउ अडेज ब्रेली कैन इवन बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ डैश तो अभी ब्रेली किसके किसकी मदद से भी लिखा जा सकता है कंप्यूटर सी ओ एम पी यू टी ई आर एस कंप्यूटर्स राइट और रॉन्ग सीमा नानी कैन नॉट हीयर वेल सो द न्यूज़ पेपर हैज़ बी हैज़ टू बी रीड अलाउड सीमा की नानी सुन नहीं सकती है इस वजह से पेपर को ज़ोर से पढ़ा जाता था यस आंसर इज़ राइट रवि भैया टीचर्स चिल्ड्रन इन स्कूल क्या रवि भैया स्कूल में पढ़ाते थे नो no, रॉन्ग वो कॉलेज में पढ़ाते थे ए ब्लाइंड पर्सन कैन रेकोग्नाइज ए परसन है सुन एज ही और शी सी द पर्सन जो ब्लाइंड पर्सन है तो वो उन्हें देखकर पहचान सकते हैं नो फिंगर्स आर यूज टू रीड द ब्रेली स्क्रिप्ट ब्रेली स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए फिंगर्स यूज की जाती है येस वी कैन रेकोग्नाइज ऑल द थिंग्स ओनली बाई टचिंग और फिलिंग दैम तो हम जो सारी चीज़ें होती है वो सिर्फ हम टच करके ही उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं रॉन्ग तो क्या आएगा रॉन्ग तेर आर स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल स्कूल है यस राइट फॉर ओल्ड पीपल द स्टिक इज़ यूजफुल एज देयर लेग्स तो जो ओल्ड पीपल है उनके लिए जो स्टिक्स होती है वो उनके पैर की तरह वो यूजफुल होती है येस राइट द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली द बरेली स्क्रिप्ट आंसर इज सी द स्क्रिप्ट दैट द ब्लाइंड रीड तो बरेली स्क्रिप्ट होती है वो ब्लाइंड पीपल को रीड करने के लिए होती है सो वी हैव टू राइट हेयर सी टैप रिकॉर्डर रवि भैया लिसन एंड लर्नस सो वी हैव टू राइट हेयर ई रवि भैया टीचेस इन कॉलेज सो वी हैव टू राइट हीयर ए सीमा प्लेस फुटबॉल सो वी हैव टू राइट हीयर बी क्वेश्चन फाइव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट यू हैव टू अटैम्प्ट विथ योर ओन डू इट योर सेल्फ आपको खुद से लिखने हैं हाउ मैनी क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मैनी things कैन यू रेकोगनाइज ओनली by टचिंग तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप टच करके रेकोगनाइज कर सकते हो आई कैन रेकोगनाइज टॉयज पेपर्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्लोथ्स फर्नीचर यूटेंसिल्स एक्सेट्रा जस्ट बाय टचिंग तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम टच करके उसे पहचान सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव Which पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज द मो तो ऐसे कौन से पीपल है जिसके हलन चलन से उसके मूवमेंट से आप उनके आवाज पहचान सकते हो उन्हें पहचान सकते हो आई कैन रेकोगनाइज़ माई फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड टी डू क्वेश्चन नंबर सिक्स जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू कैस इफ समन इज क्लोज टू यू येस माई अंकल हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर परफ्यूम सो आई कैन रिकोगनाइज हिम जस्ट बाय स्मेलिंग हाँ मेरे अंकल एक पर्टिकुलर परफ्यूम लगाते हैं जिस वजह से हम उन्हें पहचान जाते हैं सिर्फ स्मेल से क्वेश्चन नंबर सेवेन्थ वॉट ट्रबल डज सीमा स्नानी है सीमा की नानी को क्या ट्रबल है सीमा स्नानी इज ओल्ड वो अभी ओल्ड हो गई है शी सफर्ड फ्राम बैक एच उन्हें पीछे कमर का दर्द है She cannot see or hear properly due to her old age. उनकी एज की वजह से वो अच्छे से देख नहीं सकती है और सुन नहीं सकती है Question number एट What does नानी से about children of today? अभी के children के बारे में नानी का क्या कहना है नानी says that these days children do not know how to cut vegetables. अभी के जो बच्चे हैं उन्हें सब्ज़ियाँ कैसे काटी जाती है वो अच्छी तरह से पता नहीं है Question number नाइन वॉट वर्क डज रवि भैया डू रवि भैया क्या काम करते हैं रवि भैया टीचर स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज कॉलेज के स्टूडेंट्स को रवि भैया पढ़ाते हैं वॉट इज रवि भैया फॉन्ड ऑफ रवि भैया को क्या अच्छा लगता है रवि भैया लवस टू लिसन टू म्यूजिक उन्हें म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है ही अल्सो टेक्स पार्ट्स इन प्लेज वो ड्रामाज में पार्ट्स लेते हैं नाटक में ही एंजॉय चैटिंग विथ हीज फ्रेंड्स उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना अच्छा लगता है एंड गोइंग आउट विथ देम और उनके साथ बाहर जाना अच्छा लगता है क्वेश्चन नंबर इलेवन वेन डज रवि भैया गेट एंग्री रवि भैया कभी गुस्सा हो जाते हैं रवि भैया लाइक्स टू डू ऑल हीज़ वर्क हिम सेल्फ रवि भैया को सब उनका सारा काम खुद से ही करना पसंद है स इफ सम वन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हीज़ विशेज ही गेट्स एंग्रीज उनकी इच्छा के बिना अगर कोई उनकी मदद करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं नंबर ट्वेल्व वाई वॉज सीमा वेरी हैप्पी सीमा क्यों बहुत ही खुश थी सिं सीमा हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम शी वॉज वेरी हैप्पी सीमा फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई थी इस वजह से सीमा बहुत ही खुश थी क्वेश्चन नंबर थर्टीन वॉट इज द ब्रेली स्क्रिप्ट ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है ए स्पेशल स्क्रिप्ट मेड फॉर द पीपल वो कैन नॉट सी इज नॉन एज द बरेली स्क्रिप्ट तो एक खास तरीके की स्क्रिप्ट जो पीपल देख नहीं सकते हैं उनके लिए बनाई गई है तो वो स्क्रिप्ट को ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं हाउ डू ब्लाइंड पीपल रेकोगनाइज़ अदर जो ब्लाइंड पीपल होते हैं जो देख नहीं सकते हैं वैसे पीपल दूसरों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेकोगनाइज कर सकते हैं ब्लाइंड पीपल रेकोगनाइज़ अदर्स बाय देयर वॉइस और बाय फीलिंग देम मीन्स की टचिंग देम। तो जो अंधे लोग होते हैं ब्लाइंड पीपल होते हैं जो पीपल देख नहीं सकते हैं वैसे लोग दूसरों को उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं या तो फिर उन्हें टच करके उन्हें महसूस करके वो बता सकते हैं कि कौन है वहाँ पर वो इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट तो लुइस ब्रेली इज़ इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में यहाँ पर लिखना है लुइस ब्रेली इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट ओके स्टूडेंट ब्रेली स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किसने किया था तो हमने स्टोरी में देखा था लुइस ब्रेली तो आप लोगों को भी लिखना है लुइस ब्रेली इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट देन नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रेफली सीमाज फादर रीड्स द न्यूज़ पेपर अलाउड टू हर नानी हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल ये क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट नहीं करना है सो वी हैव टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हाउ डज़ रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सींग बिना देखे रवि भैया बहुत सारी चीज़ें कैसे जान जाते थे आंसर इस रवि भैया कैन नॉट सी बट ही सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प रवि भैया देख नहीं सकते थे लेकिन उनकी जो सुनने की शक्ति थी वो बहुत ही अच्छी थी सो ही कम्स टू नो मैनी थिंग्स बाय लिसनिंग वेल एंड बाई टचिंग और फीलिंग देम तो वो बहुत सारी चीज़ें सुनकर और उसे महसूस कर कर उसे टच कर कर वो बता सकते थे क्वेश्चन नंबर थ्री इज नॉट अटेम्प्टिंग बाई यू दैन क्वेश्चन नंबर फोर हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक वैन क्या आपको कभी भी स्टिक की ज़रूरत uh, क्या आपको कभी भी स्टिक की ज़रूरत महसूस हुई थी हाँ तो कभी येस yes, when आई हैड sprained माई लेग आई नीड अ स्टिक फॉर अ फ्यू डेज टू हेल्प मी वॉक मुझे जब भी पैर में दर्द हुआ था तभी मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ी थी चलने के लिए क्वेश्चन नंबर फाइव अटेम्प्ट नहीं करना है सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल वू कैन नॉट सी हम जो पीपल देख नहीं सकते हैं उनकी मदद कैसे कर सकते हैं बाय हेल्पिंग धैम क्रॉस द रोड रोड क्रॉस करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं बाय गिविंग धैम अ सीट द बस तो बस में उनके लिए सीट बस में उनको सीट देकर उनके लिए जगह बनाकर उनकी मदद कर सकते हैं बाय रीडिंग द न्यूज़ पेपर टू धैम उनके लिए न्यूज़ पेपर रीड कर सकते हैं बाय गाइडिंग धैम टू द राइट वे वाइल्ड ट्रैवलिंग मुसाफरी के समय पर उन्हें गाइडिंग कर उनकी मदद कर सकते हैं। है, right है, तो वो जो पीपल देख नहीं सकते हैं उनकी मदद हम इस तरीके से कर सकते हैं देन क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट आप लोगों को अटैम्प्ट नहीं करना है सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ रवि भैया बुक वाई रवि भैया के बुक की क्या स्पेशलिटी है और क्यों रवि भैया कैन नॉट सी दैट इज़ ही इज़ ब्लाइंड रवि भैया देख नहीं सकते हैं इस वजह से उन्हें वो क्या है अंधे है रवि भैया स्टोरी एंड स्टडी बुक्स आर ऑफ थिक पेपर विथ लाइन्स ऑफ द रेस डॉट्स ऑन देम रवि भैया की जो स्टोरी बुक्स है और जो स्टडी बुक्स है वो कैसी है थिक पेपर से बनाई गई है और उनके ऊपर लाइन्स ऑफ रेड रेज डॉट्स मतलब कि उभरे हुए डॉट्स होते हैं ही रेड्स बाय रनिंग ही फिंगर्स ऑन दिस रेज डॉट्स तो वो अपनी फिंगर्स ये जो उभरे हुए डॉट्स हैं उनके ऊपर फेर कर वो रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन वॉट इज़ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बरेली स्क्रिप्ट ब्रेली स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बरेली इज ए स्क्रिप्ट रिटर्न विथ लाइन्स ऑफ रेज डॉट ऑन थिक पेपर थिक पेपर के ऊपर उनके ऊपर रेज डॉट्स की लाइन्स होती है द ब्लाइंड कैन रीड बरेली बाय रनिंग देर फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो अपनी फिंगर को उसके ऊपर फेर कर ब्रेली स्क्रिप्ट को रीड कर सकते हैं हाव वॉज बरेली स्क्रिप्ट इन्वेंटेड तो बरेली स्क्रिप्ट कैसे इन्वेंटेड हुई थी उसकी खोज कैसे हुई थी तो लुइस बरेली बिलोंग टू फ्रांस कहाँ के थे रहने वाले वो फ्रांस के रहने वाले थे लुइस बरेली वन डे वेन ही वॉज थ्री ईयर्स ओल्ड ही वॉज प्लेइंग विथ हीज फादर्स टूल तो एक दिन वो जब भी थी तीन साल के थे तभी एक दिन वो अपने फादर्स के टूल्स के साथ खेल रहे थे टूल्स मतलब कि औजार सडनली ए पॉइंटेड टूल हॉट्स इज आइज तो अचानक से वो जो शार्प टूल था उनकी आँखों में लग गया ही लॉस्टिज आई साइटर वो अपनी आँखों की जो दृष्टि थी वो खो बैठे ही हैड कीप इंटरेस्ट इन स्टडीज उन्हें पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट था सो ही डिड नॉट गिव अप तो उन्होंने ए गिव अप नहीं किया ही कैप्ट ऑन थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट तो वो पढ़ने के और लिखने के अलग अलग तरीके ढूंढते रहते थे फाइनली ही फाउंडर वे और फिर उन्हें एक रास्ता मिल गया रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग टच करके और उसे महसूस करके रीड कर सकते हैं दिस वे ऑफ रीडिंग आफ्टर केम टू बी नॉन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट इस तरीके की जो रीडिंग है उसे फिर बाद में ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ ब्लाइंड पर्सन हैज़ थ्री लेग्स हाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू नॉट अटेंट ओके स्टूडेंट्स सो Lesson number 13 Sharing Our Feelings finished here. Thank you, students.